भाजपा पार्षद के साथ दरोगा ने की थी अभद्रता, पीड़ित ने की आला अधिकारियों से शिकायत। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी दरोगा पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। बताते चले थाना कोतवाली क्षेत्र के पार्षद राजकुमार गुप्ता। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता। कौन से वार्ड से पार्षद हैं? मैं वार्ड 44 मलकपुर से पार्षद हूं। क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली होता क्या कि हुआ कि ये था कि मेरा बेटा चूंकि बहुत कमजोर है, अभी हॉस्पिटल से आया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य उसका इतना खराब है कि उसको गाड़ी के पीछे पकड़ के हॉस्पिटल की हल्के स्वास्थ्य न होने के कारण, तो चूंकि आदमी आस्था रखता है, जब परेशान होता है, दुखी होता है, तो वो डॉक्टर के दरबार पे भी जाता है मंदिर हॉस्पिटल में, और ईश्वर पे भी श्रद्धा रखता है। तो यही कारण था कि मैं मंदिर जा रहा था, बालाजी मंदिर, अपने बेटे को लेकर माथा टेकने के लिए। मेरी पत्नी बैठी थी जो कि वो भी पूर्व पार्षद है, हम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति। उसके बाद जैसे हम चौकले पुल से नीचे उतरे मंदिर जाए, हमें भारतीय पुलिस वालों का हम रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने हमसे कहा गाड़ी साइड में, हमने गाड़ी साइड में लगा ली। तो हमसे कहने लगे कि लोग कैसे साहब, हमारी मजबूरी है कि ये बच्चा हमारा बैठ नहीं सकता, इसलिए हमारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो वो इतने तो ही वो गाली गलौज करने लगे, जो वहाँ पे थे सुशील कुमार नाम के, वो गाली गलौज करने। हमने सर आप इस तरह से बात ना करो। फिर हमने उन्हें पर्चे दिया, हमने कहा हम पार्षद है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, और हम भी जागरूक व्यक्ति हैं, हम भी आपकी तरह सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं, और इस तरह से आप हमसे बात ना कीजिए, हमने कोई गुनाह नहीं है। इतने में ही इतना कहते ही कि हमने कहा हम पार्षद है, इतने में वो खोल गए, बहुत जल्दी जल्दी मेरी पत्नी के सामने गालियाँ देने लगे। चूंकि जब वो गाली देने लगे तो मैंने भी होशियारी से अपना फ़ोन निकाला, और मतलब होशियारी उसकी रिकॉर्डिंग सुन कर दी, वो उनकी जो गालियाँ थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैंने फ़ोन रिकॉर्ड में उनकी गालियाँ जो है ये रिकॉर्डिंग कर ली है। फिर उन्होंने फ़ोन छीनना चाहा, मैंने फ़ोन देने से मना किया। फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरा फ़ोन छीना, मेरे हाथ मारा, हेलमेट लगा था, मेरे हाथ पे लगा है उनका हाथ, हमने हाथ चलाया, फिर मेरा फ़ोन उन्होंने छीन लिया। तभी उनको फ़ोन छीनने के बाद वहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी थी, उनको फ़ोन दिया, उन्होंने डिलीट कराई, उन्होंने डिलीट करी। हालांकि उनके अलावा जो भी सिपाही थे किसी ने मुझसे बदतमीजी की, उन्होंने बदतमीजी की। फिर इतनी दौरान इसी दौरान मेरे बेटे की वहाँ तबीयत खराब हो गई, तो वो बोल रहा है ये नाटक कर रहा है, बताओ मेरा नाटक, फिर भी बदतमीजी कर रहा। फिर मैंने कहा ये नाटक भाई साहब नाटक नहीं कर रहा, मेरा बेटा परेशानी में है। तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ाई और पहले धक्का दिया, धक्का देने के बाद मेरा बाजू पकड़ा, बोले तुझे धक्के बंद करता हूँ, तुझे केस लगाऊंगा मैं। ये सब कुछ होने के बाद इतना सब मेरे बेटे की तबीयत वहाँ बिगड़ी, तो दूर करीं वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जहाँ मुझे ले जाने की बात कर रहे थे, गाड़ी पे एक और थे शर्मा जी थे, वो भी एसआई थे, उनके 2 स्टार लगे थे, वो आए मेरे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं इन्हें जाने दीजिए, इनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें जाने दीजिए। तो वो थे तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो एक चीज़ यह थी, एक वो भी थे इंस्पेक्टर जिन्होंने मुझे जाने दिया, उनके अंदर मानवता नाम की चीज़ थी। तमाम हम लोगों को, हम टीवी पे देखते हैं कि पुलिस अपना ये आज इसको इस कोरोना में अपना योगदान दे रही है, वास्तव में सराहनीय है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है। जो 4-6 जैसे कहते नहीं कि 4-6 मछली तालाब को गंदा करती है, ये वही मछली का वो हिस्सा था व्यक्ति जिसके अंदर मानवता नहीं थी। एक किसी भी व्यक्ति को दया आएगी, किसी का पुत्र या पत्नी किसी के साथ जा रही है तो मजबूरी होगी जो उसको पकड़े बैठी है। एक दया मानवता नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और मैं तो अपनी सरकार से यही कहूँगा कि कार्रवाई करे और न्याय, मुझे उम्मीद है पूरी अपनी सरकार पर, अपने भाजपा संगठन पर, कि मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी बात संगठन में कह दिया और मुझे भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, लेकिन ये वास्तव में एक पार्षद के साथ ऐसा वो व्यक्ति इस तरह का अभद्र व्यवहार कर सकता है, तो यदि एक सोचने वाली बात है, कोई और व्यक्ति आए जो अपना जो इतना सक्षम ना हो अपनी बात कहने पे इतना कर दो, तो उसके साथ वो व्यक्ति क्या करता होगा, ये कल्पना करने बात है वाली बात। इसको इतना भी दया नहीं आई कि मैं इनसे जो गाली गलौज कर रहा हूँ, मेरी पत्नी के सामने गाली दे रहा है, इसको इतना भी इसको सोचना चाहिए था कि मेरी पत्नी के सामने, मेरे बेटे के सामने मुझसे मतलब इतनी गंदी गालियाँ देना, ये उसकी मानवता को शर्मसार करता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई।